महाराष्ट्र के पात्रा जमीन घोटाले मामले में ईडी ने आधी रात को शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले देर रात महाराष्ट्र की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। राउत के बचाव में जहां शिवसैनिकों ने पहले उनके घर के बाहर और फिर ईडी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की, तो वहीं राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी रही। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसे संजय राउत के घर पर मोबाइल से शूट किया गया था। वीडियो में संजय राउत और उनके परिवार वाले बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि ईडी अधिकारी जब संजय राउत को हिरासत में लेकर जा रहे थे तो उनकी मां की आंखें नम हो गई। ईडी अधिकारियों के साथ जाने से पहले संजय राउत अपनी मां से लिपट कर गले मिले। इससे पहले मां ने बेटे की आरती उतारी, माथे पर टीका लगाया। संजय राउत ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वीडियो में दिख रहा है कि राउत जाने से पहले कुछ देर तक मां से लिपटे रहे और उनकी मां भी नम आंखों के साथ बेटे को सीने से लगाई रहती हैं। इसके बाद वो ईडी अधिकारियों के संग रवाना होते हैं। बता दें कि दो बार समन मिलने के बाद भी संजय राउत ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए तो अधिकारी रविवार को सुबह उनके घर पर पहुंच गए। ईडी ने मुंबई स्थित संजय राउत के घर पर छापेमारी की और करीब 9 घंटे तक शिवसेना सांसद से पूछताछ की। इसके बाद ईडी ने पहले राउत को हिरासत में लिया और फिर देर रात गिरफ्तार कर लिया। आज राउत को कोर्ट में पेश किया जाना है। राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर शिवसैनिकों ने उनके घर के बाहर और फिर ईडी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। वहीं राउत की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत का पारा फिर से चढ़ गया है।